फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे NIOS के टॉप मोस्ट पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में। जी हाँ, आपका ये फेवरेट कोर्सेज हैं क्योंकि आप लगातार इस कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं, इसके बारे में समझना चाहते हैं और करना भी चाहते हैं। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि अगर आप मेडिकल फील्ड से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से अगर आप जुड़े हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप ग्रामीण चिकित्सक हों, चाहे मेडिकल स्टोर चला रहे हों, मेडिकल में चाहे आप होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी किसी भी प्रकार के मेडिकल स्टोर में आप चला रहे हैं, मेडिकल स्टोर से जुड़े हुए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ग्रामीण चिकित्सक हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नए स्टूडेंट्स जिन्होंने जस्ट 12th बायोलॉजी से पास आउट हैं या फिर जस्ट ग्रेजुएशन बॉटनी जूलॉजी से कम्प्लीट किया है, केमिस्ट्री से कम्प्लीट किया है या किसी अन्य विषय से कम्प्लीट किया है, तो यानी कुल मिलाकर जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए, सबसे पहले हम अब बता दें आपको कि NIOS के द्वारा ये कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। किसके द्वारा? NIOS। NIOS क्या है? तो भारत सरकार के द्वारा संचालित यह एक सेंट्रल बोर्ड है। क्या है? एक सेंट्रल बोर्ड है। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा संचालित। ठीक, आप CBSE जानते होंगे, CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, CBSE, ICSE जो सेंट्रल बोर्ड है उसके समतुल्य भारत सरकार द्वारा स्थापित ये NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग बोर्ड के माध्यम से ये NIOS जो है वो बोर्ड है जो भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा मान्यता प्राप्त है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, MOE। किसके द्वारा? इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? MOE। पहले इसका नाम हुआ करता था MHRD। क्या नाम हुआ करता था? MHRD। जो अब इसका नया नाम आ गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, MHRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसका नया संस्करण नाम आया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसके तहत, इसके द्वारा जो स्थापित मान्यता प्राप्त बोर्ड है NIOS, ये NIOS क्या करती है? ये NIOS तीन क्षेत्रों में काम करती है। इसके बारे में पहले हम लोग NIOS के बारे में क्लियर कर लेते हैं कि NIOS क्या क्या करती है। तो NIOS पहली दफ़ा तो वो 10th करवाती है, 10th हम लोग वहाँ से करते हैं। दूसरा ये 12th और तीसरा ये वोकेशनल कोर्सेस संचालित करवाती है। क्या? वोकेशनल कोर्सेस संचालित करती है। क्या करवाती है? वोकेशनल कोर्सेस ये संचालित करती है। तो 10th और 12th ये सभी और वोकेशनल ये सभी कोर्सेस ODL मोड में संचालित होते हैं। किस मोड में? ODL मोड, ODL मोड, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। ठीक है, इस माध्यम से ये कोर्सेस संचालित होते हैं। डिजिटली इसमें और इन्वॉल्व किया गया है आजकल, तो अन्य चैनल के द्वारा से स्वयं प्रभा चैनल या ई शिक्षा केंद्र जो है उसके माध्यम से भी जो है ये कोर्सेस संचालित किए जाते हैं डिजिटली प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी। 10th और 12th में आप एडमिशन ले सकते हैं। हम चूंकि 10th और 12th की बात नहीं कर रहे हैं इसलिए हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ वोकेशनल कोर्सेज की। तो हम वोकेशनल कोर्सेज की बात करेंगे तो हम आते हैं अब वोकेशनल कोर्सेज क्या है और इसमें एडमिशन की क्या क्या प्रोसेस है, हम उन सारे चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। वोकेशनल कोर्सेस कहते हैं किसको है, पहले इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, भारत सरकार ने जो एकेडमिक पाठ्यक्रम है 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन PhD जो भी आप करते हैं ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन है। इस एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ साथ भारत सरकार ने युवाओं को प्रशिक्षित करने का कार्य किया है कि वो जिस भी कार्य या परंपरागत कार्य या कोई भी एडॉप्ट किया हुआ वो कार्य है उसमें निपुणता लोगों में हासिल हो सके, वो अपने कार्य क्षेत्र से जुड़ पाएँ और अपनी बेरोजगारी को दूर कर पाएँ, वो स्वरोजगार से जुड़ जाएँ, ये सरकार का मकसद है। और इस मकसद को पूरा करने के लिए NIOS जैसे जो उसके जो बोर्ड है साथ ही साथ अन्य यूनिवर्सिटी या अन्य बोर्ड के साथ साथ ये कोर्सेज संचालित किए जा रहे हैं। लेकिन चूंकि हम लोग NIOS में हैं तो NIOS के चर्चा हम लोग करेंगे। तो ये कोर्सेज NIOS में बहुत सारे वेबसाइट कोर्सेज चलाए जा रहे हैं,
उस बहुत सारे में से हमने तीन कोर्सेस आपके लिए लाए हैं, तीन पाठ्यक्रम हम आपके लिए लाए हैं, और ये तीन पाठ्यक्रम आपके लिए खासा इम्पोर्टेंट है कि ये कौन कौन से कोर्सेस है इसको भी हम लोग देखते हैं। ये तीन कोर्सेस में नंबर वन पर है CCH, नंबर वन क्या है CCH, दूसरा है CHD, ठीक, और तीसरा है DNYS। तीसरा क्या है DNYS। तीन कोर्सेस हैं, नंबर वन में CCH, CHD एंड DNYS। ये तीनों कोर्सेस खासा इम्पोर्टेंट है। जो भी व्यक्ति ग्रामीण चिकित्सक हैं या मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, चाहे वह आप मेडिकल स्टोर पे कार्य कर रहे हैं या खुद का है, तो अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, अपने डिग्री लेवल को बढ़ाने के लिए, ठीक है, आप किसी भी लेवल से अगर जुड़े हुए हों, आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ रहे हैं फार्मेसी खोलने के लिए, या फिर आयुष का जो है जब से गठन हुआ है तो सरकारी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, होम्योपैथिक हॉस्पिटल खोलने के लिए भी अब आजकल चेन सिस्टम बहुत सारे फील्ड में आ चुके हैं। तो आप किसी भी स्तर से अगर जुड़े हुए हैं तो आपके लिए ये कोर्सेस काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। CCH क्या है, इसके बारे में हम आपको चर्चा कर दें। तो CCH है सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ। सर्टिफिकेट क्या है, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ। CHD क्या है, सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग। और DNYS क्या है, डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, ठीक है। तो CCH में भी 10th पास चाहिए हमें एडमिशन के लिए, CHD में भी 10th पास चाहिए हमें, और DNYS में हमें 12th पास चाहिए। DNYS में हमें क्या चाहिए, 12th पास चाहिए। CCH में एडमिशन के लिए भी 10th पास, CHD में भी एडमिशन के लिए 10th पास, DNYS में भी एडमिशन के लिए 12th पास। CCH में जो एडमिशन फीस है वो 5,000 रुपया है, ऑफिशियल फीस जो है इसके महज 5,000 रुपया में आपको एडमिशन मिल जाएंगे। CHD में आपको 18,000 रुपया इसका ऑफिशियल फीस है, कितना 18,000। DNYS में आपको 15,000 रुपया पर ईयर फीस है DNYS में, ठीक है। तीनों कोर्सेज में एडमिशन कहाँ मिलेंगे, मैं आपको क्लियर बता दूं कि आप एडमिशन लेने के आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट किसी कैफे में जाएं, या खुद का अगर लैपटॉप है तो आप voc.nios.ac.in के पोर्टल पर जाएंगे, उस पर सारे प्रोग्राम में आप ऑनलाइन एडमिशन ले लेंगे। या फिर अगर आप को प्रोस्पेक्टस, मैनवाइज का प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करने के उपरांत आपको कहीं पर भी कोई भी स्टडी सेंटर मिलता है तो उस स्टडी सेंटर पर डायरेक्टली आप जाके एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपके शहर के में अगर कोई स्टडी सेंटर है वहां पर भी आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, अथवा आप ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। आपके अगर शहर में नहीं है तो आप बगल वाले शहर में, बगल वाले स्टेट में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इसमें आपको ये इशू नहीं है कि आप अपने ही डिस्ट्रिक्ट या अपने ही स्टेट में पढ़ सकते हैं, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि आपको स्टडी सेंटर से जुड़ा होना चाहिए। चलिए, तो एडमिशन कहाँ मिलेंगे आपको, तो voc.nios.ac.in के पोर्टल पर जाएंगे, आपको एडमिशन मिल जाएगा voc.nios.ac.in। इसका जो 50% फीस है वो आपको ऑनलाइन एडमिशन के वक्त देने होंगे, बाकी 50% जो आपको वहां से जब ऑनलाइन में फीस कटाते हैं तो वहां से रिसिप्ट जो निकलेगा, एडमिशन रिसिप्ट, वो रिसिप्ट को लेकर आप जो स्टडी सेंटर चिन्हित किए हैं ऑनलाइन एडमिशन के दरमियान में, उस स्टडी सेंटर पे जाके बाकी का 50% फीस जो है आपको वहां जमा करने होंगे, वहीं से आपको नेक्स्ट फीस भी मिलेगा, फिर रिसिप्ट, फिर जाके आपको वहीं से बुक्स मिलेंगे, आइडेंटिटी कार्ड मिलेंगे, और वहीं पर आपको क्लास भी मुहैया कराया जाएगा उस स्टडी सेंटर के माध्यम से, ठीक है। अगर वहां पे आपको क्लास कंप्लीट नहीं मिल पाता है, या वहां पे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वही मिल पाता, आप चाहते हैं कि इसमें और भी चीज़ें हम जानना चाहेंगे, तो PR वाओ क्लासेस के YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और साथ ही साथ आप हमसे कनेक्ट होने की कोशिश करें ताकि हम आपको फर्दर इससे संबंधित इन्फॉर्मेशन दे पाएँ।
तो सीसीएस आयुर्वेदिक, एलोपैथिक और होम्योपैथिक सभी से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है। सीएचडी अगर आप ग्रामीण चिकित्सक में होम्योपैथी से संबंधित जानकारियाँ रखते हैं, होम्योपैथी स्टोर खोलना चाहते हैं, होम्योपैथी का प्रैक्टिस करना चाहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, आप इसमें डीएचएमएस नहीं होंगे तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस BNYS, बैचलर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस का ये डिप्लोमा वर्जन है, 12th पास, 2 साल का कोर्स है ये। आपको इसमें 6 मंथ्स का इंटर्नशिप करना होगा उस स्टडी सेंटर पे जहाँ पढ़ की ये कोर्स संचालित किए जाते हैं। रेगुलर मोड में आपको 6 मंथ्स का इंटर्नशिप करना अनिवार्य है कि नेचुरोपैथी और योगा साइंस किसे कहते हैं आपको पूरी तरह से प्रैक्टिकल वे में समझना पड़ेगा। तो तीनों ही कोर्सेस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। वैकेंसी के माध्यम से अगर हम बात करें, सरकारी नौकरी की बात करें, तो सीसीएच में जो है वैकेंसी गवर्नमेंट में बहुत कम है। आपको जब भी इसमें मिलेंगे आप सेल्फ एम्प्लॉयड के तौर पर ही आपको मिलेंगे। प्राइवेट जॉब में आप किसी सरकारी हॉस्पिटल या निजी हॉस्पिटल से आप जुड़ सकते हैं। सीएचडी में वैकेंसी आती है, ये होम्योपैथिक हॉस्पिटल में मिश्रक करके बहाली आती है, तो आप सीएचडी करने के उपरांत होम्योपैथिक मिश्रक, होम्योपैथिक कंपाउंडर के तौर पर आप सरकारी हॉस्पिटल में आप काम कर सकते हैं। डीएनवाईएस में भी आप सरकारी जो आयुष हॉस्पिटल खुलने वाले हैं उसमें भी आपकी नौकरी लग सकती है, योगा टीचर के तौर पर, योगा इंस्ट्रक्टर के तौर पर या नेचुरोपैथिक इंस्ट्रक्टर के तौर पर आपको नौकरी लग सकती है, या जो नेचुरोपैथिक हॉस्पिटल है वहाँ पर आपकी नौकरी लग सकती है। कुल मिला के देखा जाए तो गवर्नमेंट जॉब जो है तीनों कोर्सेस में कम है कंपैरेटिवली अलग कोर्सेस के मुकाबले, लेकिन तीनों में चूंकि मेडिकल पाठ्यक्रम है तो आपको नौकरी जो है वो इसमें भटकना नहीं पड़ेगा, आपको नौकरी मिल ही जाएगी, स्वरोजगार या फिर दूसरे मेडिकल स्टोर खोल के या अन्य जो ग्रामीण चिकित्सक की तरह प्रैक्टिस करके। तो आपको ये सारे कोर्सेस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चूंकि कोर्सेस भारत सरकार द्वारा संचालित हैं, भारत सरकार की डिग्री है, तो आपको इसमें कोई दिक्कतें नहीं आएगी। आपको किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन भी कराने की जरूरत नहीं है, सीसीएच में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि आप प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता होंगे। ये सारे कोर्सेस का मुख्य उद्देश्य यह है कि आपको प्राथमिक स्वास्थ्य मुहैया कराना है ग्रामीण क्षेत्रों को, और वहाँ पर से डॉक्टर यानी कि जो डॉक्टर हैं इसके स्पेशलिस्ट वहाँ तक पहुँचाने का काम है। आप खुद इसमें डॉक्टर नहीं हैं, ना ही आप MBBS हैं, ना ही आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं, ना ही आप होम्योपैथी के विशेषज्ञ हैं, आप उनको जानने समझने वाले, आप एक वॉलंटियर हैं, तो आपको उसी लहजे में उसी लिमिटेशन में आपको काम करने होंगे, चाहे वो ग्रामीण चिकित्सक हो के तौर पर हो या फिर किसी हॉस्पिटल में हो या सरकारी हॉस्पिटल में। तो आप ये माने कि ये कोर्सेस आपको एक ट्रेनिंग कर दे रहा है, एक आपको प्रशिक्षित कर रहा है, आपको डॉक्टर नहीं बनाया जा रहा है। ये तीनों कोर्सेज का जो ड्यूरेशन हमने बताया, इसका 1 ईयर, इसका भी 1 ईयर और DNYS का 2.5 साल, ये तीनों कोर्सेज में एडमिशन का भी हमने प्रोसेस बताया। मुझे लगता है कि आपको अगर इस कोर्स में एडमिशन चाहिए तो आप दिया गया वेबसाइट पे आप संपर्क करेंगे, यहाँ से आपको सारे चीज़ें इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। इसके अलावा भी आपको एडमिशन में दिक्कतें आ रही हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप संपर्क करेंगे, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं कि कैसे इसमें एडमिशन मिलेंगे। एडमिशन उपरांत आपको बुक्स पढ़ने होते हैं, इसके सिलेबस हैं, सिलेबस को कंप्लीट करना होता है, उसमें भी आपको कोई दिक्कतें आती हैं तो आप जरूर हमसे संपर्क करने की कोशिश करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।